हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज आप सभी के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं वेडिंग के ऊपर रीडिंग करूँ, तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं रीडिंग करूँगी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं क्या उनसे आपकी शादी होगी या नहीं होगी। ठीक है, आप एक हो पाएंगे, अपनी पूरी ज़िंदगी साथ में बिताएंगे या नहीं बिताएंगे, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो गाइस आज मैं इन्हीं सारी मतलब यही पता लगाऊंगी कि जिन जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे आपकी शादी होगी या नहीं होगी। ठीक है, और रीडिंग के एंड में आपके लिए एडवाइस भी लूँगी क्या आपको करने की ज़रूरत है क्या नहीं। ठीक है, और गाइस ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो अगर आपको लगता है आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो आप इसको देखिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है, लेकिन किसी के लिए ज़रूर है। ठीक है, जो भी यहाँ पर सिचुएशन आएगी, स्टोरी आएगी, मैं आपको सब बताऊंगी और मैं ये भी बताऊंगी कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करने के लिए कि रीडिंग आपसे मैच करेगी या नहीं, पहले हम देखते हैं कि चल क्या रहा है कनेक्शन में आप दोनों के। ठीक है, फिर मैं बेटर बता पाऊंगी आपको। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और परेशान नहीं होना। रीडिंग में जो आए उसको एक्सेप्ट कीजिए, रिग्रेट ना कीजिए अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो। ठीक है, तो मैं तो चाहूंगी सब कुछ अच्छा ही आए। चलिए अब देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डेथ, ओके, स्कॉर्पियो। थ्री ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नाइन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, एयर साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। सिचुएशन तो आपके कनेक्शन की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक से आया है टेम्परेंस एंड पेज ऑफ सॉरी टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहां पर फायर सॉरी वाटर साइन में से सिर्फ स्कॉर्पियो है, यहां पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, यहां पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। लिब्रा स्ट्रांग है एंड स्कॉर्पियो स्ट्रांग है। यहाँ पर अर्थ साइन नहीं है, अर्थ साइन यहाँ पर बॉटम से आया है, टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो, साइन तो कोई भी हो सकता है, आपको तो मेन एनर्जी देखनी है जो मैं बोलने वाली हूँ। ठीक है, आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही है, दोनों को ही कंफ्यूजन है, आप दोनों को ही। इस टाइम जिस भी पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हैं वो दिखने में बहुत हैंडसम है, चार्मिंग है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है उसकी, उसके बाइसेप्स हैं। अगर ये लड़के हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, और अगर लड़की भी है तो भी कम नहीं है उस लड़के से जिसके लिए आप पूछ रहे हैं। आप दोनों ही कम नहीं हैं, दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल हैं, चार्मिंग है। जो लड़की है ना, जो लड़की के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो ये लड़की बहुत हार्डवर्किंग है, खुद का बिजनेस हो सकता है। ठीक है, बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है, बहुत चार्मिंग है, दिल में बिल्कुल हेट नहीं है, छल कपट से बहुत दूर है ये लड़की। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं लड़के की बात करूँ तो यस, ही इज़ वेरी क्लेवर, वेरी स्मार्ट। हो सकता है इसने MBA किया हो, इसका कुछ ऐसा काम होगा जिससे इसको लोगों के साथ डील करनी होती है, बात करनी होती है, जिसके वजह से इसको काफ़ी एक्सपीरियंस है लोगों को किस तरीके से बातें करते हैं, किस तरीके से मतलब थोड़ा क्लेवर है ये पर्सन, टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा क्लेवर, थोड़ा क्या, बहुत क्लेवर कहूँगी मैं, क्योंकि इसको पता है इसको किस टाइम क्या बोलना है, क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत चार्मिंग भी है ये, इनके बाइसेप्स हैं, इनकी बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, बहुत लड़कियां इन पर फिदा हो सकती हैं। लेकिन आप भी कम नहीं हैं, आप भी बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, चार्मिंग है, और एट द सेम टाइम आपका हार्ट बहुत ज़्यादा प्योर है।
ठीक है, एक साफ दिल वाले इंसान है आप। देखो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में, सेम सिटी नहीं है आपकी, डिफरेंट सिटी के हैं आप, ठीक है। हो सकता है सेम कंट्री है लेकिन सिटी आपकी डिफरेंट है। और देखो लॉन्ग डिस्टेंस है तो सिटी क्या कंट्री भी हो सकती है, बट मैं बहुतों के लिए डिफरेंट सिटी देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है, कंफ्यूजन में है आप लोग, ठीक है, बात नहीं हो पा रही है। कोई है जो रातों को जागता है, कोई एक यहाँ बहुत परेशान है, डिस्टर्ब है। अब आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर है, ठीक है। सरेंडर की हुई है अपनी सिचुएशन भगवान के भरोसे और रातों को ये जागते हैं, ठीक है। परेशान लग रहे हैं मुझे थोड़ा सा, कोई एक पर्सन बहुत परेशान है, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर है वो। तो डोंट वरी, यहाँ पर डेथ का कार्ड बहुत पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चीज़ें बदल सकती हैं, अगर सिचुएशन अभी ऐसी आपके कनेक्शन की चल रही है तो सिचुएशन बदल जाएगी। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अपनी इंपॉर्टेंस को समझिए, अपने टेन ऑफ पेंटिकल्स पर काम कीजिए, खुद को इंपॉर्टेंस दें, अपने काम को इंपॉर्टेंस दें, और विद द टेम्परेंस कार्ड गॉड पर बिलीव रखें। आप यही कर सकते हैं इस टाइम, ठीक है। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, यूनियन होगा या नहीं होगा, लेट्स फाइंड क्या होगा फ्यूचर में। आप दोनों एक हो पाएंगे, जिससे आप जिनके बारे में आप जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनसे आपकी शादी होगी या नहीं होगी। रेस्ट एंड रेजोनेशन, रेजोनेट, ओके, ये सेम कार्ड आ गया, सेम। थर्ड आई चक्र नंबर 6, मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजंस, वेट अ सेकेंड गाइस, बहुत सारे कार्ड्स है ना। मटेरियल हार्वेस्ट, सैक्रल चक्रा नंबर 2, अवेयरनेस। बॉटम ऑफ द डेक से आया है डेस्टिनी का कार्ड, पेशन एंड प्लानिंग इन रिवर्स, चलिए वाला नहीं लेंगे हम, यहीं तक लेंगे डेस्टिनी तक, ओके। देखो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, अभी शादी का कुछ नहीं दिख रहा, इतनी जल्दी शादी का अभी कुछ नहीं दिख रहा है कि अभी आपकी शादी हो जाएगी, ये पर्सन आपको कमिट कर देंगे या आपको प्रपोज कर देंगे। सबसे पहली बात है कि इस पार्टनर को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, इसको इनफ मनी कमानी है, ठीक है, इनफ मतलब इसको इंडिपेंडेंट होना है कि ये खुद के लिए स्टैंड ले और दूसरे को भी अच्छी लाइफ दे सके। जब तक ये इस पोजिशन में नहीं आएंगे तब तक ये खुद ही शादी के लिए रेडी नहीं होंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, इनको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, अपनी आंख खोलनी पड़ेगी। इट मीन्स इस पार्टनर को अवेकन होना पड़ेगा, तभी जाके इनको रियलाइज होगा कि हाँ इनों का एक डेस्टिनी में एक पार्टनर है जिसके साथ इनकी मैरिज होनी है, ठीक है। आपको पता है ना थर्ड आई, शिव जी के जो थर्ड आई होती है वो कब ओपन होती है, जब वो अवेकन होते हैं, उनको सब पता होता है, ठीक है। मतलब कुछ सच्चाई सामने आना, तो कोई सच्चाई इस पार्टनर के सामने आएगी, ठीक है। इस पार्टनर को अभी बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना है, अवेयरनेस, अवेयर होना है, वूमेन चॉइसेस एंड डिसीजन, सॉरी, ऐसा एक टाइम आएगा जब इनको चॉइस करनी होगी, डिसीजन लेना होगा, उस टाइम पे इस पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आएगी। लेकिन अभी शादी का गाइस कुछ मैं देख नहीं पा रही हूँ, यहाँ पे कोई मैरिज कार्ड नहीं है, कोई यूनियन का कार्ड नहीं है, हार्मनी का कार्ड नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड है। तो यहाँ पर डेस्टिनी ने आपको मिलाया है, इस डेस्टिनी पर बिलीव करो, आज नहीं तो कल कभी ना कभी इस पार्टनर की अवेकनिंग हो जाएगी और ये पार्टनर आपको भी कमिट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जल्दी से ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ आप समझ लें। अगर आपको अभी इस पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप
आपकी शादी होगी या नहीं होगी ये डेस्टिनी में ही आपके ये पार्टनर तो लिखे हुए हैं, क्योंकि जब हम जिनके लिए पूछ रहे हैं उन्हीं की रीडिंग में डेस्टिनी का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये पार्टनर करेंगे प्रपोज, लेकिन अभी नहीं आपको प्रपोजल मिलेगा, ठीक है, इनकी तरफ से। वाओ, यिंग एंड यांग, मैं समझ रही हूँ कि आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल है विद द टेम्परेंस कार्ड, और यिंग एंड यांग आ गया यहाँ पर, डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। और देखते हैं गाइस, वाओ, सोलमेट देख लीजिए, यिंग एंड यांग एंड सोलमेट्स। मैं और क्या बोलूँ, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। देखिए, आप सोलमेट हो सकते हैं, आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं इस पार्टनर के, तो चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स तो आपको फेस करने ही पड़ेंगे, लेकिन यस, डेस्टिनी में एक दूसरे के हो, और यही सपोर्ट करो गाइस, अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बात करो जितना हो सकता है, अगर बातचीत होती है तो। बाउंड्रीज यहाँ पर इस टाइम तो बाउंड्रीज बना ली है किसी एक ने, बातचीत नहीं हो रही है ना आप दोनों के बीच में, कोई बातचीत नहीं हो रही है ऐसा मैं देख रही हूँ यहाँ पर। एंड वी हैव स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर मेच्योरिटी की जरूरत है, ठीक है। आपके हो सकता है आपके पार्टनर अभी इनफ मेच्योर नहीं है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, वो आपसे लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, जो भी, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पार्टनर को एक ना एक दिन समझ में आ जाएगी बात, ठीक है, डोंट वरी। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेट्रॉन, मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल रही हूँ गाइस, क्या आती है आपके लिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओके, इनडिसीजन, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ना आपके पार्टनर, लेकिन डोंट वरी, आर्कएंजल मेट्रॉन आपके साथ है। एप्रिशिएशन, ये पार्टनर आपको एप्रिशिएट तो करते हैं, नो डाउट, ये पार्टनर आपको एप्रिशिएट करते हैं, आपसे लव करते हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि अभी इस पार्टनर को अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस नहीं है इस पार्टनर में, अभी अवेयर नहीं है कि किस तरह का कनेक्शन आपके साथ है और आप कितने स्पेशल हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंट इज योर की टू सक्सेस, एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आप नेगेटिविटी रिलीज कर दीजिए और खुद में कॉन्फिडेंट लेकर आइए बहुत ज्यादा। देखो, आप इससे कम नहीं हो, इवन आप इस पार्टनर से बेटर हैं, ठीक है, ये समझिए और अपनी वर्थ पर फोकस कीजिए, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ज्यादा गिड़गिड़ाओगे, रोओगे इस पार्टनर के सामने, कमिटमेंट के बारे में बोलोगे, तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। अपने आप को प्रोस्पेरिटीज दो, मतलब अपने आप को इंपॉर्टेंस दो, लक इज ऑन योर साइड, आपके साइड, आपके साइड लक है, अपनी खुशी पर ध्यान दो, अपनी लाइफ पर फोकस करो और इंजॉय करो, भूल जाओ कमिटमेंट वगैरह के बारे में, राइट टाइम पर ये पार्टनर खुद ही आके आपको कमिट कर देंगे, पॉजिटिव रहो आप बस, परफेक्ट टाइमिंग। देखिए, मैं अभी टाइमिंग की ही बात कर रही थी और परफेक्ट टाइमिंग का ही कार्ड आया है, यू नो व्हाट, ये देखिए यहाँ पर एक ये है, ये सैंड वाली वॉच, ठीक है, इसका मतलब है कि अभी राइट टाइम नहीं है, अभी सभी समय नहीं आया है, आपको परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा, तभी आपको आपकी कमिटमेंट मिलेगी इस पार्टनर से, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, देयर समथिंग बेटर, अब तो गॉड कह रहे हैं आगे अच्छा है, बेटर है कुछ, आप चिंता ना करें, टेक एक्शन, एक्शन ठीक समय पर ही लिया जाएगा और बिल्कुल लिया जाएगा, ये कार्ड आया है हमारे पास, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड वेट, आपको वेट कहने के लिए कह रहे हैं गॉड, ठीक है, और आपको पॉजिटिव रहने के लिए भी कह रहे हैं, रिमेन पॉजिटिव, वेट कीजिए, कुछ ही महीनों में एक्शन लिया जाएगा, कुछ ही महीनों में एक्शन लिया जाएगा और वो एक्शन बहुत ही बढ़िया होगा, देयर आर समथिंग बेटर, और ये सब कुछ होगा परफेक्ट टाइमिंग पर, एंजल आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप पॉजिटिव रहिए, वेट कीजिए पॉजिटिविटी के साथ, कुछ ही महीनों में एक्शन मिलेगा आपको, आपको आंसर मिलेगा, बहुत अच्छा लिखा है आपके भाग्य में, ठीक है, और ये सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग पर होगा, ठीक है। तो गाइज, अभी तो कमिटमेंट नहीं मिलेगी, अभी शादी का नहीं है, लेकिन हाँ, इस पार्टनर के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इसी पार्टनर के साथ अगर आप पॉजिटिव रहोगे, अपना इनर वर्क अच्छे से करोगे, तो चांसेस हैं आपके इनसे शादी होने के, ठीक है, आप दोनों एक हो सकते हैं। तो गाइज, ये है आपकी रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर, बाय गाइज।